आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की महारैली 2 जुलाई को बिलासपुर में प्रस्तावित है। इस महारैली को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी के अलग अलग विंग्स के अधिकारी रोजाना बिलासपुर में हो रही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब पार्टी के अनुसूचित जाति विंग्स के जिलाध्यक्ष परमानंद जांगड़े भी इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बिलासपुर रवाना हुए। रवाना होने से पहले INS 24/7 संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा उलटफेर दिल्ली और पंजाब में हुआ है, वैसा ही उलटफेर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। और क्या कहा परमानंद जांगड़े ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी की 2 जुलाई को बिलासपुर में महारैली है, इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। अभी हमारे साथ SC विंग के जिला अध्यक्ष परमानंद जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बड़ी तैयारी चल रही है बिलासपुर में महारैली को लेकर, अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, भगवंत मान भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी सफल रहेगी पूरी रैली? ये रैली छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये इतनी विशाल रैली होगी जो अभी तक छत्तीसगढ़ में ना कांग्रेस ना भाजपा उतनी बड़ी रैली की होगी। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए हैं। आमंत्रण अभियान को लेकर हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में घर घर जा रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से 1.5 लाख की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां बिलासपुर में महारैली में शामिल होंगे। दोनों ही दल कह रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस, कि यहां पर जो है आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, चुनाव में इन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलेगी, मतदाता इन्हें नकारेगी। देखिए, इन लोगों को तो सबक सीखना चाहिए। दिल्ली और पंजाब में भी ये लोग यही कह रहे थे। आज दिल्ली और पंजाब इसके जीता जागता उदाहरण है। वहाँ भी लोग बोल रहे थे कि आम आदमी का कुछ वो नहीं है। आम आदमी एक नई राजनीतिक पार्टी है और इसकी जो दशा और दिशा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक नया आयाम गढ़ेगा राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये लोग कहेंगे ही ऐसे ही। हम लगातार आप अभियान भी चला रहे हैं, सदस्य भी जोड़ रहे हैं, कितनी सफलता मिल पा रही, खासकर बात करें आरंग क्षेत्र की? तो आरंग से कम 3,000 की कार्यकर्ता 30-35 बस की काफिले के साथ एक साथ गुजरेगी, जो मतलब हमारी पूरी पार्टी में एक एक व्यक्ति का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर कलेक्ट किया गया। बाकी दलों में देखेंगे कि एक वर्वली आंकड़ा और संख्या दिखाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, हर चीज़ बाकायदा ऑन वीडियो, ऑन नंबर, ऑन मोबाइल नंबर, सारे रिकॉर्ड के साथ हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा उलटफेर हो पाएगा? जरूर, छत्तीसगढ़ में आप देखिए आम आदमी पार्टी का पूरा वर्चस्व बढ़ते जा रहा है और एक नया विकल्प छत्तीसगढ़ वासियों को आम आदमी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष परमानंद जांगड़े, जिनका साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपना स्थान बनाएगी। कैमरामैन इकराम कुरैसी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़ रायपुर।